यहाँ पे आप प्रेजेंट है, हमने देखा है वो आपने शर्ट भी वो डाली हुई है, क्या फील करते हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे अच्छी शाम? वेल जब ऐसी बातें आती हैं डॉक्टर थॉर्न की, WFA की, ऐसे स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ करने की, तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा निशा हमेशा खड़ी रही है इन चीज़ों के लिए. बट इनके चक्कर में शायद कहीं ना कहीं मेरा भी वो ऐसा हो गया है. आई हैव हैड अ डॉग माई सेल्फ फॉर 5 years. लेकिन निशा के पास एक स्ट्रे डॉग थे जिनका नाम था हनी फॉर 16 years, और एक और डॉग है लव. दोनों डॉग्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे. लव इज़ अबाउट 13 years ओल्ड नाउ एंड उसको तो पिछले 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ. सो काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं ज़िंदगी में, एंड जो एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स हो गए या किटन्स हो गए घर में, एक काफ़ी स्ट्रेस बस्टर हो जाता है घर में, विच इज़ वेरी नाइस. एंड ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर WFA आज कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, तो वी आर ग्लैड दैट वी आर. वेल मैं ये कहना चाहूँगी कि WFA ने, वर्ल्ड फॉर ऑल ने ये जो अडॉप्टथॉन प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के यानी कि इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स और कैट्स को एक अडॉप्शन का प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि बहुत ही क्रेज़ है पूरी दुनिया में ऐसे यू नो हाई ब्रीड पेडिग्री डॉग्स और कैट्स को अडॉप्ट करने का. पर इसके लिए उन्हें क्या क्या गो थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत ही क्रुएल्टी से भरा हुआ पपी फार्म, एक पपी मिल है ये, जहाँ पर इन ब्रीडिंग होती है एंड यू नो उन्हें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं. क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को इन ब्रीडिंग का मतलब नहीं पता है, यू नो अगर जैसे एक ही लीनिएज के, जैसे मॉम के जो एक डॉग के जो बच्चे होते हैं उन्हें आपस में मेट कराया जाता है ज़बरदस्ती, तो दैट्स नॉट गुड, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है. एंड दैट्स नॉट गुड फॉर द डॉग्स, इट्स वेरी बैड फॉर द हेल्थ. एंड बहुत ही क्रुएल्टी के साथ इन्हें इम्पोर्ट किया जाता है या फिर बहुत केसेस हो भी रहे हैं. हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को इस बात के बारे में अवेयरनेस होती है. और अब वर्ल्ड फॉर ऑल एक बहुत ही अच्छा शेल्टर भी खोल रहा है जहाँ पर जितने भी डॉग्स और कैट्स को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है, जो इंजर्ड हैं, जो ज़िंदगी भर जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें वो हेल्प करने वाले हैं. सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. एंड लाइक करण सेड, हम भी 2 डॉग्स को अडॉप्ट कर चुके हैं. आज नहीं बट या बट रिसेंटली करण हैज यू नो डेवलप ऑल हिज एलर्जीज, जिसके बारे में सबको पता है, जिनमें से एक डॉग डैंडर भी है. सो जब एक बार वो ठीक हो जाए हमारे साथ नहीं रह सकता, वैसा प्रॉब्लम. सो ही इज विद माय मम राइट नाउ. तो या बट आई थिंक ऑल द काइंडनेस, कंपैशन, लव फॉर एनिमल्स हमारी लाइफ में जो आया है वो हमें इन 2 डॉग्स ने सिखाया जो हमारी ज़िंदगी में आए हैं. सो आई एम श्योर कि यहाँ पर जब आप आएंगे, ये प्यारी प्यारी शक्लें देखेंगे, हर डॉग की आंखों में, हर एक किटन की आंखों में एक कहानी होती है. सो जब आप आएंगे, इनसे मिलेंगे, आई एम श्योर आप चाहेंगे कि इन्हें अपने ज़िंदगी भर का साथी बनाएं. हमने करण से बात की इनकी बिग बॉस की जर्नी के बारे में, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इनको देखा बिग बॉस में टीवी पर, क्या कहना चाहिए? आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि हम अडॉप्टथॉन में आके बिग बॉस की बात करें, बट ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ कि आई एम हैप्पी फॉर हिम. इट्स अमेजिंग, यू नो इट्स एन अमेजिंग जर्नी, एंड करण जैसे थे वैसे ही वो रहे हैं. एंड बाकी मैं क्या कह सकती हूँ, आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज़ बैक. करण, ये जो लाइव कमेंट मिले हैं, जैसे थे वैसे ही रहे हैं, क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहूँगा, आई थिंक आई ऑलरेडी प्रूव्ड इट बाय गोइंग इनसाइड. जैसे मैं था, आई वेंट विद रिस्पेक्ट, केम आउट विद डिग्निटी फ्रॉम द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हाउस, जहाँ पे कोई भी जाने से बहुत डरता है. तो हम तो चले गए अंदर, जैसे थे वैसे के वैसे ही बाहर निकले. सो दैट इज़ वेरी नाइस. एंड जो रिस्पॉन्स सबसे मिला है, फैंस से, मीडिया से, मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मीडिया से पहले मिला है कि आई कांट से, मतलब इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है. सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम हैप्पी टू बी आउट. चलिए, थैंक यू सो मच.